भैया हमारा भी ऐसा काम बहुत अच्छा है, जो आज हम निकलता है ऐसा वो ग्रुप वाली है बस मैं उसका पूछना पड़ता अच्छा दो दो ग्रुप बना दो ना बहुत करना है प्रोडक्ट के ऊपर। आपने मुझे कल तक बता दूंगा आप लोगों ने जो क्या आज किस किस चल रहा किस बंदे नार जा रहा आप कॉस्ट में कितने लग रहे हैं अपनी पूरी एक जो फैमिली इधर देखते हैं किस चीज़ का आपने इधर खड़े हो मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया आपसे आपके ग्रुप से मुझे ठीक है एक दिन का टाइम है निकाल कर आता हूँ मुझे जो भी मर्जी प्रोडक्ट हो आई एम कंप्लेन से तरफ आपको लिखना कि यार मैं अगर यही ऑनलाइन ही पढ़ी ये सोल्यूशन सारा सोल्यूशन आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जो आप भी होती है ना बोले जो आप भी देते हुडी का वो बेच देंगे अच्छा जो आप भी होते हैं जो भी आई करने का लगता है तब पॉवर को आप भी करते हैं जो आप भी करने का चीज का बिल्लो ये पसंद तो नहीं है पसंद है ना पूरा अपना अपना क्या है इतने खाते सब तो है पर एक प्रोडक्ट है लेट्स गो सर की जो भी कॉस्ट आ रही है उसको आ रही है 200 रुपए फ्रेंड शर्ट है उसकी कॉस्ट आ रही है 200 रुपए फिर आगे पता है आप भी ब्रेक आप भी चलिए स्टार्ट बड़ा मैं आपको समझा देता हूँ क्यों बता रहा आप भी साथ आप भी जाते हैं आप भी चलिए यार ये तो आदमी नहीं ये तो आदमी नहीं है आपकी 50 रुपये इस पॉइंट में से मार्केटिंग ऑफ निकाल एवरेज आप भी दिन छुट्टी के बाद क्या करते हैं सर अब मजे की बात ये है कि आप तो उसका जब दिल करता है तो नीचे ला कर देता है और जब आप ही करना है तो कह रहा है कि एक कर रहा है क्यों 10 कर रहा है आपने जरा मैं शेयर कर के मैं इसका अगर आप 60 पीस कर दो ना बोले आप 60 पीस का मार्केट खा लिए थे आज आप ऐसी पर क्या चीज मिल गई हो आपने 60 पीस का है अब 60 पीस के अंदर भी वेरिएशन है या नहीं है स्मॉल लार्ज उसके आगे भी चार्ज है मतलब कि आप 60 और बदल चार्ज 240 पीस का हो फिर मॉडल का रेट में बड़ा था तो ऐसा में भी कितने की बात है तो मॉडल में क्या दिखाए हमेशा उस चीज
अगर कपड़े वाली फैक्ट्री में जाना है, मैंने फैक्ट्री बन गया तो हमें अपनी नहीं है ये कपड़े में रोड को। अच्छा थोड़ी सी ना आई कैचिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा आजकल ना बड़ी एक इच्छा है। हाँ ग्रीन बॉल को देखिए किसी ने, हाँ हाँ जेरिंग है सर ये बहुत ही टूट क्यों सारे कुड़ी मिलने में इतने दिनों से ये तमन्ना के बारे में कोई बात नहीं इसकी मैटर में ना सब चारों तरफ मार देते हैं तमन्ना के आकर मुझे लगी मैं देखा मुझे बच्चे ने की फिर मैंने फिर आती ना आता किया तो आठ महीने पंद्रह दिन बैठ गई था $999 आपकी प्रोडक्ट की $999 की डिलीवरी तो आज 2500 पॉसिस की जाती है $190 कितने रह गए पिछले 810 नहीं बस तेरा था ना 810 से मार्केटिंग कॉस्ट की आ रहा हूँ ₹300 ठीक है ₹50 और ये बात है साढ़े तीन सौ साढ़े 400 के साथ आ जाएगा इन्वेंट्री में अब अगली दफा ना जब मेरे 50 पीस देखा मैंने कहा यार 50 पीस तो मैंने जीएसटी या मुझे अगली ना एंट्री करना स्टार्ट अप बोलना फाइनेंस ना पहले से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत स्टॉक को देने के लिए मैंने चले मैंने फिर आप रजी प्लस कर उसके आते वाले मुझे कहा सर बस अब 200 पीस का ओके जी मैंने 200 पीस मुनासिबे अकेले अंगूठी लेनी है ₹90 खुद परचेज की इसकी दफा वाले ₹50 की डब्बी खुद परचेज की $110 $200 कलर भी दो हमारे
लिटरली पता भी नहीं लगा किधर गए। आपको सिर्फ बात समझाने का मकसद ये है कि सर प्रोडक्ट हमने वो चूज किया, जो प्रोडक्ट हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम डाल रहे हो तो सर हमारे ये भी प्रोडक्ट बिक जाएगा। इन्वेंटरी सबसे ज्यादा चल रहा है, इन्वेंटरी सबसे नीचे है, इन्वेंटरी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ठीक हो गया, और किस वाले प्रोडक्ट सर सबसे आसान काम पता क्या है? ऐड लाइब्रेरी हमने पढ़ी है, ऐड लाइब्रेरी कुछ नहीं पढ़ी ऐड लाइब्रेरी। आपको पता है आप किसी बंदे की एड्स देख सकते हो कि वो उसके पेज के ऊपर कौन कौन सी एड चल रही है, देखना आता आप लोगों को? वो ये नहीं है, वो तो ये बता दूंगा, वो आसान नहीं है। किसी पेज का नाम बताओ, गुल अहमद की देखें, का पेज नहीं है आइडिया उसके नाम से, आ गया गुल अहमद आइडियाज। कितनी कंपेन्स है उनकी? छह सौ अस्सी कंपेन्स चल रही है उनकी एक पेज के ऊपर। कितनी देखो ये कंपेन के ऊपर क्या शो हो रहा है? मतलब कि एक ऐड के अंदर वो चार तरह के क्रिएटिव और टेक्स्ट यूज कर रहा है। उसको ओपन करते हैं हम लोग, ये देखें एक के ऊपर वो ये यूज कर रहे हैं। मैं आपको जानना था तो बोल करके दिखाता हूँ, आपको बेहतर बता देंगे। ये देखें एक के ऊपर वो ये यूज कर रहा है, अगले के ऊपर उसने उसके एड सेट चेंज किए हुए, उसने तीन चार एड सेट उसने बनाए हुए। वीडियो एक ही है, टारगेटिंग चेंज की हुई है, इसके ऊपर कुछ और टारगेटिंग है, इसके ऊपर कुछ और टारगेटिंग है, इस पे कुछ हो रहा है, इस पे कुछ हो रहा है। मतलब ये कौन सी कंपेन हुई? नहीं मैंने बताई हुई है आप लोगों को कंपेन के बारे में, एक कंपेन है, आप कंपेन एक है बट डिफरेंट एडसेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा जी, क्लियर हो गई इसकी बात जी? अच्छा अब्दुल मान तो बता ही देते हैं।
अगर कोई ऐश हो गई तो हम बता देते हैं, अगर ना हुई तो तुम्हारी किस्मत। ये पेज हमने ओपन किया हुआ है या प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल है ना, अब पेज नहीं बोलना किसी ने, प्रोफाइल बोलते हैं। अगर इधर एड शो हो गई कोई भी तो पता लग जाएगा, पेज ही प्रोफाइल ही होता है। देखो पता लग गया, ये बात ना बड़े पते की तुम लोगों को बता रहा हूँ, दसवीं के साथ। इसकी टारगेटिंग क्या है बताऊँ मैं तुम लोगों को, एग्जैक्ट टारगेटिंग बता सकता हूँ इसकी क्या। कुछ नहीं करना सर, तीन नुक्ते बने हैं इन पे क्लिक करना है। ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, इस पे क्लिक करना है। क्या उसकी ऑडियंस है, उसने किसी बंदे को इंटरेस्ट कोई भी चूज नहीं किया, उसने सिंपल इसके अंदर इंटरेस्ट हो और अभी आ जाएगी कोई ना। ये चलो ये भी तो आ रही है ना साइड पे, ये देखो ये भी आ रही है ना ये साइड पे, ये वाली व्हाई आई एम सेइंग दिस। क्या आ गया, दो चीजें आ गई। तीसरी दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी, कि वो बंदे आए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसने कहा वो बंदे देखते हैं कैसे सर। नहीं ना, वो तो कोई और कंपेन थी, ये तो कोई और कंपेन है सर। नहीं ये सीडीओ किस तरह से हो सकता है, वो मार्केटर हो रहा है, ये मार्केटर हो रहा है। सर वो एक अलग स्टोर था, वो इनबाई की है, ये इनबाई की है। सिंपल कंपेन जनरल एक कंपेन है, सिंपल एक कंपेन एक ऐड सर। ये देखो यार व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसका भी इसके अच्छा इसके अंदर देखो इसमें मजे की चीज क्या देखना। उसने कोई इंटरेस्ट चूज नहीं किया, उसने कहा कि सर मजे की चीज है ये। अभी कोई टारगेटिंग वाली कंपेन आती है ना वो दिखाता हूँ, उसमें आपको मजा आएगा। ये देखो 23 साल से आ गई, तो नीचे वाली होगी कुछ ना कुछ। कोई ना कंप्लेन लाजमी ढूंढ ली है। ये लो ठीक हो गया जी। चलो ठीक है जी।
समझ आ गई इसकी जी, कि आप किसी भी मार्केट में इंटरेस्ट नहीं, इस तरह से काम कर रहे हो। ओके प्रोडक्ट ढूंढो, ऐड हम तब चलाएंगे, अभी हम लोग एक और ऐड के ऊपर चले जाते हैं क्रिएट के अंदर आके। आप में से कभी किसी बंदे ने लीड्स की एड्स चलाई है? आप सबका टास्क है आज का अवेयरनेस की, आपने कंपेन चलानी है। जी जिस चीज को आपने, जिस कंपेन को इस मकसद के लिए चलाना है कि वो इन रिटर्न मुझे पैसे देगी, आरओआई के ऊपर आपने वो कंपेन चलानी है। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस मकसद के ऊपर कंपेन चलानी है, देन आपकी सारी की सारी कंपेन जाएंगी सेल्स के ऊपर। अगर आपने किसी भी तरह की लीड्स के ऊपर चलानी है, क्या किया था फिर आगे क्या हुआ था? उससे पहले आपने नाम पे लिखा होना, नंबर जो कि पहुंच है, इसके अंदर काम क्या होता है? हम डेली बेसिस के अंदर कैंपेन्स जो भी होती हैं क्यूरीज को, आपने जब अप्लाई किया था दिन आ गई थी, उससे दो दिन बाद आई थी, किस तरह अगले दिन आ गई थी आपको कॉल। हमारा सबसे मेन मकसद होता है कस्टमर के साथ एंगेज रहना। अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई किया होगा ना, तो व्हाट्सएप पे में भी आपको कॉल से पहले रिस्पॉन्स आ गया, व्हाट्सएप पे कॉल से पहले रिस्पॉन्स आ गया। हेलो जी सर, मेरा हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे जी? मतलब कोई ऐसी चीज जो समझ बिल्कुल भी ना आई हो? कहाँ से जाना होगी,
जी सलाम अलैकुम जी, जो है ना यार मैंने वो नहीं पेज जो मैंने वो नहीं नहीं व्हाट्सएप नंबर ठीक ओके लीड्स कैंपेन ये होती है, एंगेजमेंट कैंपेन ये होती है कि आपने अपनी कोई वीडियो बनाई है आप कहते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ही आएंगे, अवेयरनेस के अंदर ही आएंगे। इसके अंदर कन्वर्जन कैंपेन्स भी आ जाती है और मैसेजेस कैंपेन भी आ जाती है। इसमें कन्वर्जन कैंपेन्स हैं, कन्वर्जन वो वाली कन्वर्जन नहीं है। आप इसको इस तरह के इसमें कन्वर्जेशन कैंपेन है। कन्वर्जेशन किस तरह से मैसेजेस कैंपेन अक्सर से ट्रैफिक कैंपेन ने बोला था आप लोगों को इवेंट से होंगे अवेयरनेस रीच सबसे पहले इसका इसका सबसे मेन मकसद ये है बताएं इसके अंदर कोई कंफ्यूजन या कोई समझ आई बात तो वो बताएं। कोई समझ तो नहीं आया, क्यों नहीं आया सर? सर क्यों नहीं आया? हाँ जी क्लियर है सब, चले आ गए। अब ग्रुप किस तरह से बनेंगे? एक दो तीन चार पांच छह सात बंदे हैं, तीन तीन का हो जाए मैं क्लास पढ़ा लिया, क्लास पढ़ा है तो यार मैं तेन क्या मैं क्लास पढ़ा लिया वा करके स्क्रीनशॉट भेजना वा हाँ जी ग्रुप कौन कौन किस किस तरह से आप चलो क्लास के बाद बना के कल प्रेजेंटेशन लेके आनी है अपनी आपने को बना बनू के नहीं लेके आनी बस अपने माइंड के अंदर आपकी याद होनी चाहिए। सर मैंने इनसे कहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स दो बंदे जो मिलके प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आनी है जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे ठीक है। हमारा कल का जो काम हम उसका शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे कल, हम उसकी ग्राफिक्स बनाएंगे उसके उसकी प्रोडक्ट उसके साथ साथ हम पी
एसपी और एमपी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस पर नेट पर मैं आपको और अपने पास जो भी है ना उसका आईडिया का जो है उसका टीम पर फेमस वाली बात है अब तो ये चीज जो है ना सर देखें मैं आज तक मार्केट नहीं गया अभी मार्केट में क्या करने जाने हैं आप लोग आप एक छोटी सी बात है फेसबुक के ग्रुप ओपन करें 10 बंदों को मैसेज करें 3 बंदों ने जवाब देने आपको यहाँ पे पता लग जाएगी अब कौन सी चीज मुश्किल है प्रोडक्ट ढूंढे उस फेसबुक ज्वेलरी है ना ज्वेलरी वाले बंदों को ग्रुप ज्वाइन करें कराची के 3 बंदों को मैसेज करें कि सर मैंने ये चीज करनी है 3 बंदों ने आपको 10 बंदों को मैसेज 3 बंदों ने भी किया आपको कल आएगा कुछ परसों आएगा 3 बंदों एवरेज लगानी है हमें सबसे आसान हल है कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है ना एड लाइब्रेरी पे जाओ ऑल एड्स को क्लिक करो इसके ऊपर जाके इधर यहाँ पे टाइप कर दो जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है लेट्स सपोज आप लोग सेल कर रहे हो कॉटन अब कॉटन का कीवर्ड जिस जिस जगह पे आ रहा होगा ना वो कॉटन के कीवर्ड को देखना उसके मुतालिक आपको ऐड सारी मोबाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फेसबुक से सिंपल देखें चार तो बच गए यार हाँ जी भैया मेरे को तो देख लिया कॉटन वाला हमने कॉटन का कीवर्ड लिखा अच्छा चले हम कॉटन को छोड़े मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं हम लोग तो मैंने कौन सी प्रोडक्ट आपको कही है अग्रिंग उसकी तो एड्स होंगी अभी क्या ऑफर है एक ही ऐड जा रही है इट्स मीन क्या हुआ इसका टाइम मुक गया एक और तरीके से सर्च करके देख लेते हैं अच्छा जी इसके मुताबिक अभी यह अग्रिंग और साथ ये देखें पर ये चीजें करेंगे कि ज्वेलरी में करनी है ये देखें ये गोल्ड प्लेटेड बस 10 सेकंड की ऐड खत्म बात बोले नहीं ये देखें यहाँ ग्रीन के बाय वन गेट वन फ्री इस तरह से सर चीजें प्रोडक्ट्स अपने ढूंढ के लेके आए ठीक है
अपनी प्रोग्राम ढूंढ के कल प्रेजेंट करें, जिसकी पसंद आएगी और स्टोर बना देंगे शॉपिफाई का, स्टोर बना के उसकी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसकी कंपनी चलाते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कोई सवाल है इस क्लास के रिगार्डिंग तो पूछ लें।